नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज से दो दिन के दौरे पर। चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्मशती समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज जम्मू में 1,17,21,00,00,00 रुपए की 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत महासागर पहल के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल जारी करने पर सहमत। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया। सूचकांक में शिमला शीर्ष पर, इसके बाद कोयम्बटूर और चंडीगढ़ का स्थान। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,18,35,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.32%। FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप आज से भुवनेश्वर में। मौजूदा चैंपियन भारत अपने आरंभिक मैच में आज रात फ्रांस से खेलेगा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सुबह पहले दौर में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत के मैच होंगे। समाचार प्रभात में चंद्रिका जोशी के साथ मैं लवली निगम। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। लेकिन हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन तीन आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, एल्बर्ट विधेयक विवाद क्या है जो भारतीयों के खिलाफ ब्रिटेन की नस्ली विचारधारा को उजागर करता था। इस प्रश्न का सही जवाब है, वर्ष 1883 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने एल्बर्ट विधेयक लाने के प्रयास पर बहुत हंगामा हुआ। इस विधेयक में ब्रिटेन और यूरोप के नागरिकों के मामलों की सुनवाई और अधिकार भारतीय न्यायाधीशों को भी देने और भारतीय और ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रावधान था। विपक्ष के श्वेत सदस्यों के दबाव में सरकार को ये विधेयक वापस लेना पड़ा, जिससे भारतीय नागरिक बहुत नाराज हुए। ये घटना भारत में ब्रिटेन के नस्लवादी दृष्टिकोण की परिचायक थी। आकाशवाणी को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है और भाग्यशाली विजेता हैं केरल के तिरुअनंतपुरम की वैष्णवी एएस। मेरा नाम वैष्णवी एएस हूँ। मैं आर्य सिंधर स्कूल त्रिवेंद्रम केरला में पढ़ रही हूँ। AIR न्यूज़ द्वारा आयोजित क्विज का विजेता बनकर मुझे खुश हो रही है। आजादी का सफर कार्यक्रम में मुझे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानने की मदद की। केरल के फ्रीडम स्ट्रगल में बड़ा योगदान है। मैं पूरा देशवासियों को 75th ईयर पर आयोजित अमृत महोत्सव की अनेकों शुभकामनाएं देती है। भारत माता की जय। श्रोताओं के लिए अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 29 नवंबर को पूछा जाएगा। आइए आकाशवाणी के अमृत महोत्सव क्विज के साथ आजादी के 75वें स्वाधीनता उत्सव में शामिल हों।
और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर कानपुर जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में राष्ट्रपति का व्यस्त कार्यक्रम है। कानपुर पहुंचने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सीधे मेहरबान सिंह का पूर्वा इलाके में जाएंगे। यहां राष्ट्रपति पूर्व सांसद चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्म शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। चौधरी हरमोहन सिंह यादव एक शिक्षाविद, समाज सेवी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही लोकप्रिय राजनीतिज्ञ भी थे। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राष्ट्रपति कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल राष्ट्रपति हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति इस मौके पर एक कॉफी टेबल बुक, विश्वविद्यालय के इतिहास को बयां करती एक किताब, डाक टिकट, विशेष कवर और HBTU के शताब्दी समारोह पर आधारित सिक्के की तस्वीर का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की 10 इमारतों का लोकार्पण भी करेंगे, जिनमें कुलपति आवास और छात्रों के लिए छात्रावास भवन भी शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कानपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। इस हवाई अड्डे का निर्माण विमानन क्षेत्र में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। हाल में कुशीनगर हवाई अड्डे के उद्घाटन और अयोध्या में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। यह हवाई अड्डा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इस हवाई अड्डे के बन जाने के बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भीड़भाड़ कम होगी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और आसपास के यात्री इससे लाभान्वित हो सकेंगे। ये उत्तर प्रदेश को विश्व मानचित्र पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत में पहली बार किसी हवाई अड्डे में मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र की व्यवस्था होगी। इसके कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन है, जिसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन कर दिया जाएगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज जम्मू में 257 किलोमीटर लंबी 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं पर 1,17,21,00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 ,
किसी भी मौसम में संपर्क सुविधा का काम करेंगी। ये क्षेत्र की कृषि, औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक प्रगति के साथ रक्षा बलों की तेजी से आवागमन के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। इनमें कई जिला मुख्यालयों तक सभी प्रमुख सड़कों को जोड़ने के साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्य समारोह डोडा में होगा। डोडा जिले में परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री अवकाश प्राप्त जनरल वी के सिंह, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह और सांसद जुगल किशोर शर्मा उपस्थित रहेंगे। भारत ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत समुद्री पहल के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रीवा गांगुली दास ने कल समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण के दौरान यह टिप्पणी की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। सुश्री दास ने समुद्री क्षेत्र में समान चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्व एशिया सम्मेलन की दो दिन की बैठक कल कोलकाता में शुरू हुई। यह सम्मेलन भारत ने ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी से आयोजित किया है। भारत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल जारी करने पर सहमत हो गया है। अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया सहित अन्य प्रमुख वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ताओं के साथ तालमेल से ये कच्चा तेल बाजार में लाया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि तरल हाइड्रोकार्बन का मूल्य निर्धारण उचित और जिम्मेदार तरीके से बाजार की ताकतों द्वारा किया जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश के रणनीतिक आरक्षित भंडार से रिकॉर्ड 5 करोड़ बैरल तेल जारी करने का आदेश दिया है। गैसोलीन और अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों में कमी लाने के उद्देश्य से ऊर्जा का उपभोग करने वाले अन्य बड़े देशों, भारत, ब्रिटेन और चीन के साथ
तालमेल में यह निर्णय लिया गया है। भारत जर्मन सहयोग के अंतर्गत नीति आयोग ने कल पहला सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया। ये सूचकांक और डैशबोर्ड भारत जर्मन विकास सहयोग के अंतर्गत शहरों में सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण को आगे बढ़ाने पर केंद्रित नीति आयोग और जर्मन सरकार के मंत्रालय BMZ सहयोग का परिणाम है। इसे तैयार करने में कुल 56 शहरी क्षेत्रों पर विचार किया गया। सूचकांक में शिमला सबसे ऊपर, उसके बाद कोयम्बटूर और चंडीगढ़ का स्थान है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज 2 दिन के दौरे पर चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्मशती समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज जम्मू में 1,17,21,00,00,000 रूपये की 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत महासागर पहल के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल जारी करने पर सहमत। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया। सूचकांक में शिमला शीर्ष पर, इसके बाद कोयम्बटूर और चंडीगढ़ का स्थान। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1,18,35,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.32%। FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप आज से भुवनेश्वर में। मौजूदा चैंपियन भारत अपने आरंभिक मैच में आज रात फ्रांस से खेलेगा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सुबह पहले दौर में PV सिंधु और किदांबी श्रीकांत के मैच होंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अभियान के अंतर्गत अब तक 1,18,35,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 3,39,00,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.32% है। हमारे फोन इन कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज रात 9:30 दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार कोरोना से संबंधित सवालों के जवाब देंगे। श्रोता 9:30 टोल फ्री नंबर 1800-1157-67 और टेलीफोन नंबर 0112331444 पर कॉल कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts #AskAIR पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने कोविड टीकाकरण अभियान की सराहना करते हुए कहा कि अभी भारत में बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर बलराम भार्गव की पुस्तक गोइंग वायरल के विमोचन के अवसर पर डॉ गुलेरिया ने कहा कि यह भारत की पहली स्वदेशी कोविड वैक्सीन विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले वैज्ञानिकों का प्रत्यक्ष अनुभव है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोविड मरीजों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। FIH ओडिशा हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप आज से भुवनेश्वर में शुरू हो रहा है। वर्तमान विजेता भारत अपने अभियान की शुरुआत आज रात ग्रुप बी में फ्रांस के साथ करेगा। भारतीय टीम का नेतृत्व मिडफील्डर विवेक सागर प्रसाद करेंगे। विवेक टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। ग्रुप मुकाबलों में भारत के मैचों का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। PV सिंधु, किदांबी श्रीकांत और अन्य भारतीय खिलाड़ी आज बाली में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु महिला सिंगल्स में जापान की आया ओहोरी के साथ खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत का मुकाबला भारत के ही HS प्रणय से, जबकि BSI प्रणीत का सामना फ्रांस के तोमा जूनियर पोपोव से होगा। इस बीच एन सिक्की रेड्डी और ध्रुव कपिला की जोड़ी जापान के क्योही यामाशिता तथा नारो शिनोया से 7-21-12-21 से हार गई। रेल मंत्री अनिल वैष्णव ने थीम आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेन
भारत गौरव की शुरुआत करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये रेलगाड़ियां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करेंगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये रेलगाड़ियां पर्यटकों को सभी शानदार ऐतिहासिक स्थलों तक ले जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत गौरव रेलगाड़ियां निजी कंपनियां और IRCTC दोनों थीम आधारित सर्किट में चलेंगी। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसका प्रसारण परिक्रमा में किया जाता है। निशान की आज की कड़ी में मणिपुर के मोईरांग में INA युद्ध स्मारक की गाथा प्रस्तुत की जाएगी। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 MHz पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और राजस्थान राज्य के पहले मुख्यमंत्री हीरा लाल शास्त्री की जयंती मनाते हैं, जिनका जन्म 24 नवंबर 1899 को हुआ था। वे राजस्थान के बनस्थली क्षेत्र में जीवन कुटीर की स्थापना और ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जयपुर राज्य प्रजा मंडल का पुनर्गठन करके स्वतंत्रता आंदोलन का भी नेतृत्व किया। हीरा लाल शास्त्री का जन्म जयपुर के जोबनेर में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जोबनेर में ही पूरी की। बचपन से ही हीरा लाल शास्त्री की दिली इच्छा थी कि वो गांव में जाकर दलितों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करें। हीरा लाल शास्त्री 1921 में जयपुर राज्य सेवा में शामिल हुए और गृह तथा विदेश विभाग में सचिव बने। हालांकि उन्होंने 1927 में इस्तीफा दे दिया और बचपन के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 1929 में जयपुर से 45 मील दूर एक दूरस्थ और पिछड़े गांव बनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना की। उन्होंने समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया और ग्रामीण पुनर्निर्माण के इस कार्यक्रम को लागू करने का प्रयास किया। उनके द्वारा प्रशिक्षित कार्यकर्ता बाद में कई राजपूताना राज्यों में राजनीतिक जागृति के अग्रदूत बने। हीरा लाल शास्त्री ने जब 1937 में जयपुर राज्य प्रजा मंडल को पुनर्गठित किया और उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में आकर्षित किया। वे दो बार इस मंडल के महासचिव और इतनी ही बार इसके अध्यक्ष चुने गए। 1939 में उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रजा मंडल के सत्याग्रह का नेतृत्व किया और 6 महीने की जेल की सजा काटी। उन्नीस में हीरा लाल को ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का महासचिव नियुक्त किया गया। इसी वर्ष वे संविधान सभा के लिए चुने गए। 1948 में जयपुर में एक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुई तो हीरा लाल शास्त्री ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। जब 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन किया गया तो वे इसके पहले मुख्यमंत्री बने।
उन्हें विविध रियासतों को प्रभावी आधुनिक प्रशासन में एकीकृत करने का कठिन कार्य सौंपा गया। उन्होंने इस जटिल कार्य को बहुत ही कम समय में बखूबी पूरा किया। हीरालाल शास्त्री का 28 दिसंबर 1974 को निधन हो गया। अपने विचारों में स्पष्ट तथा निडर और एक निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हीरालाल शास्त्री एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे। उनके द्वारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ आज नारी शिक्षा का एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान बन गया है। एक मजबूत एकीकृत और प्रगतिशील राजस्थान की नींव रखने का श्रेय मुख्य रूप से उन्हीं को जाता है। डाक और तार विभाग ने नवंबर 1976 में पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट निकाला। हम इस महान भारतीय और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम को सलाम करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी गुलाम गौस खान को भी याद करते हैं, जो पीर गेट मीरापुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वो 1857 के विद्रोह के फैलने के तुरंत बाद अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में अपने गांव की सेना में शामिल हो गए। गुलाम गौस खान को एक कार्रवाई के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया और अंग्रेजों के खिलाफ हत्या और विद्रोह का आरोप लगाया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 1858 में फांसी दे दी गई। साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। रंग दोनों भारत की उड़ान, आजादी की नई पहचान, देशभक्ति की रंगोली से देश सजा दो, देश सजा दो। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इसमें रंगोली प्रतियोगिता हो रही है। क्या आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं? यदि हाँ तो रजिस्ट्रेशन के लिए amritmahotsav.nic.in पर जाएं। देश सजा दो, ऐसे रंग भरो भारत का, हर सपना रंगीन बना दो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है, हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1440 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली में सुबह हल्का कोहरा रहा, मुंबई और चेन्नई में आंशिक बादल छाए रहेंगे, कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, श्रीनगर लेह गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, जम्मू और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा, तापमान 0 से 9 डिग्री नीचे से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी आइजोल में सुबह धुंध रही, बाद में मौसम साफ रहेगा, इम्फाल और अगरतला में मौसम साफ रहेगा, कोहिमा ईटानगर गैंगटॉक में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की वर्षा भी हो सकती है, तापमान 10 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध है। और चंद्रिका, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, भारत द्वारा रणनीतिक तेल भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल जारी करने के फैसले को जनसत्ता ने कीमतों में कमी के लिए सरकार की कवायद बताया है। हिंदुस्तान ने इसे अभूतपूर्व बताते हुए लिखा है कि अमेरिका चीन के साथ मिलकर भारत पहली बार ऐसा कदम उठा रहा है। राजस्थान पत्रिका को लगता है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जल्द राहत मिलने के आसार। अगले हफ्ते से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में 26 विधेयक सूचीबद्ध किए जाने को नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों ने दिया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कृषि कानून वापस लेने का आएगा विधेयक।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाने को सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, कर्नल संतोष बाबू मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित। अमर उजाला ने शौर्य को सम्मान शीर्षक से लिखा है, चार जांबाजों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी की पुस्तक को लेकर विवाद सभी अखबारों में है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मनीष तिवारी ने लिखा, 26/11 के बाद एक्शन न लेना तत्कालीन सरकार की कमजोरी थी। हरिभूमि कहता है, मनीष की किताब से निकली चिंगारी, अपनी ही पूर्व सरकार पर हमला। आपदा प्रबंधन पर विश्वभर के वैज्ञानिक करेंगे मंथन, लोक सत्य की खबर है। पत्र लिखता है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे चार दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने G-7C की खरीद को मंजूरी दी, हिंदुस्तान में प्रमुखता से है। पत्र लिखता है, वायुसेना की ताकत बनेगा संचार उपग्रह। भारतीय रेलवे द्वारा देश की महान संस्कृति और विरासत का दर्शन कराने के लिए भारत गौरव ट्रेन की श्रृंखला शुरू किए जाने की घोषणा पर अमर उजाला की सुर्खी है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मार्ग पर कराएंगे भ्रमण। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज से दो दिन के दौरे पर चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्मशती समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज जम्मू में 1,17,21,00,00,000 रूपये की 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने स्वतंत्र खुले समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत महासागर पहल के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल जारी करने पर सहमत। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया, सूचकांक में शिमला शीर्ष पर, इसके बाद कोयम्बटूर और चंडीगढ़ का स्थान। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,18,35,00,000 से अधिक टीके लगाए गए, स्वस्थ होने की दर 98.32%। FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट आज से भुवनेश्वर में, मौजूदा चैंपियन भारत अपने आरंभिक मैच में आज रात फ्रांस के साथ खेलेगा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सुबह पहले दौर में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।